नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो, ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि अब हम जो थर्मोडायनेमिक्स की गीता है उसके पहले अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं और आज हम अपने अगले अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। जो पिछला चैप्टर था, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस का जो पिछला पार्ट था, वहाँ पर हम लॉ बड़ी डिटेल में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, उनकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंसेस और चारों टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, कार्नोट साइकिल, मेयर्स फार्मूला, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, सैचुरेटेड वेपर्स और बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। जिन लोगों को वो चीज़ें आती हैं, आप आज यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, टिके रह सकते हैं। जिनको कुछ कुछ क्वारीज हैं, कुछ कुछ डाउट्स हैं, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन जो है कॉन्सेप्ट्स की, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो टुडे वी आर हेयर विद द न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के जिस टॉपिक की आज हम बात करेंगे, दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो सेकंड पार्ट है, इट इज़ मैं कहूँ कि जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो वन वे और द अदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो जीरोथ लॉ की बात हो गई, फर्स्ट लॉ की बात हो गई, सेकंड लॉ की बात भी हमने कर ली। अब थर्ड लॉ जो है वो किसके साथ डील करता है, वो एंट्रोपी के साथ डील करता है। जीरोथ लॉ ने बात करी थी टेम्परेचर की, इट गेव अस अनदर डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नन अदर देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमने किसी सिस्टम को हीट दी, दिस हीट इज कंप्राइज ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स, वन पार्ट इज कंज्यूम टू परफॉर्म वर्क एंड अनदर पार्ट जो है दैट गोज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने फर्स्ट लॉ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव कर दिया, दूर भगा दिया, उसको अमेंडमेंट्स उसके अंदर कर दी। कि फर्स्ट लॉ ने हमें डायरेक्शन नहीं बताई थी कि कब हीट वर्क में जाएगा और हीट कब वर्क हीट और हीट वर्क में कब जाएंगे और कितने जाएंगे एंड इन विच डायरेक्शन द प्रोसेस विल टेक प्लेस। सो इन लिमिटेशंस को दूर करते हुए आ गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसने ये बात करी कि अगर आपको हीट से वर्क लेना है, अगर आपको वर्क से हीट या हीट से वर्क लेना है, तो इधर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और इज वर्क डन और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि अगर आपको एक कोल्ड बॉडी से हीट को लेकर अगर आपको एक हॉट बॉडी को हीट देनी है, देन यू विल हैव टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क ऑन इट, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, कि वो सराउंडिंग से कूलर बॉडी से हीट लेके और हॉटर बॉडी को जो है वो हीट ट्रांसफर कर दे। ऐसी कोई मशीन दुनिया में ना आज तक बनी है ना कभी बनेगी। ये बात करी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। और इसकी रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं, रेफ्रिजरेटर जो है वो हम लोगों ने किया, उससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ की रियल लाइफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स थी, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। सो टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, की थर्ड लॉ अब क्या बला आ गई। सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लिखते जाइए, आपके इस वीडियो के लास्ट तक आपके पास आपके हाथों में रेडीमेड नोट्स अवेलेबल होंगे। स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आजकल मैं कहूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो बहुत एडवांस हो चुका है, आप मेरी आवाज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैप्चरिंग पावर ऑफ योर ब्रेन। तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा, मैं बोलती जाऊंगी। अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है, व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव इट्स स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन एनी फिजिकल प्रोसेस। मेन बात जो इस थर्ड लॉ ने करी वो यही करी। हमने वैसे पिछली वीडियोस के अंदर भी कुछ कुछ इसको टच कर दिया था, क्योंकि जब पुरानी चीज़ का कहीं पर एंड होता है वहीं से नए की शुरुआत होती है। सो सेकंड लॉ का जहां एंड हुआ था, हमने वहां पर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की टर्म्स में बात करी थी और कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वहाँ पर भी बात करी, तो वैसे ही कुछ बातें हम आज करेंगे।
और वहीं पर जन्म हुआ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है या जीरो केल्विन का टेम्परेचर है, दैट इज़ नॉट अचीवेबल, हम उसको अचीव नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के अंदर, नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कल भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। ये बात कौन करता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम इलॉजिकली बात नहीं करेंगे क्योंकि हम खड़े हैं फिजिक्स की अदालत में, सो वी विल प्रूव इट। तो हम आज इसको प्रूव करेंगे। अब आप इसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको लिखना होता है, वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज, एफिशिएंसी हम लोगों को पता है ईटा से डिनोट होती है, इट इज़ आउटपुट बाय इनपुट। कार्नोट इंजन हो या कोई भी हीट इंजन हो, आउटपुट हमें मिलती है वर्क की फॉर्म में। हीट वो एक्सट्रैक्ट करता है सोर्स से, Q1 हीट सोर्स से लेके कुछ उसने काम किया, एक्सपेंशन हुई और जो है वर्क हमें करके परफॉर्म, क्योंकि पिस्टन बाहर आएगा, उस पिस्टन को हम लोगों ने मोटर के साथ टर्बाइन के साथ अटैच किया होता है, तो वो मूवमेंट्स वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं, तो वर्क हमें मिल जाता है। सो वर्क इज़ बेसिकली द आउटपुट एंड हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स Q1 इज़ द इनपुट। सो W अपॉन Q1, हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बात करी थी कि ये जो W है, दिस इज़ Q1 माइनस Q2, तो अपॉन Q1 हो गया, एंड वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, हम इसको लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने इसको 1 माइनस T2 बाय T1 भी लिखा था, कार्नोट साइकिल के अंदर हमने इस चीज़ को प्रूव भी किया है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका मेरा हम सब का जो इंजन है, मुझे तो उसकी एफिशिएंसी भैया 100% चाहिए। अब 100% एफिशिएंसी अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस ईटा को 1 लेकर आना होगा। अब ईटा विल बी इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ दिस T2 विल बी इक्वल टू 0, और ऐसा यूनिट हमें पता है क्या होता है, केल्विन। Therefore, this temperature is called absolute zero, जहाँ पर हमें efficiency क्या मिलती है, 1. Now, if this T2 is less than zero, अगर मैं इसको less than zero कर देती हूँ, then efficiency will become greater than 100%, ये greater than 1 हो जाएगी, और मैं कहूँ it is greater than 100%. So efficiency will become greater than 100%, which is not possible. मैं कह सकती हूँ कि according to law of conservation of energy या according to second law of thermodynamics, ये possible ही नहीं है कि efficiency आपको 100% मिल जाए। आपने heat कम दी है, आपको work ज़्यादा मिल गया, internal energy में ज़्यादा change हो गया, this is not possible. So lowest possible temperature is 0 Kelvin, ये हमें कहानी यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमें बात करनी है इसकी अटेनेबिलिटी की, कि क्या हम इसको अटेन कर सकते हैं। सो इतना लिखने के बाद आपको इरेज नहीं करना है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, मैं इरेज कर दूंगी। सो इस हेडिंग के बाद आप यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर एक हेडिंग दे देंगे, अटेनेबिलिटी ऑफ 0 Kelvin, कि क्या 0 Kelvin को अटेन भी किया जा सकता है कि नहीं, अटेनेबिलिटी ऑफ 0 Kelvin। तो ये बताइए भैया कि 0 Kelvin अचीवेबल भी है या नहीं है, क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है 0 Kelvin, क्योंकि 0 Kelvin पर एफिशिएंसी 1 आ रही थी, 100% आ रही थी, और हमें वो 1 और 100% चाहिए थी। तो अब हमने कह दिया कि 0 Kelvin जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अब क्या उस लोएस्ट पॉसिबल पर भी पहुँचना पॉसिबल है या नहीं, हमें ये देखना है। अब हम बात करेंगे कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। वी नो दैट कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिनोटेड बाय बीटा एंड इट इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर आउटपुट क्या है कि उसने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी सिंक से, और इनपुट क्या है, वर्क डन, कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क किया जाता है, पावर सप्लाई उसके ऊपर कुछ वर्क करती है, और उसी वर्क को वो हमें कन्वर्ट करके किस में दे देता है, कि कितनी हीट वो निकाल रहा है सिंक से। सो आउटपुट इज Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक एंड इनपुट इज वर्क डन परफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट दिस इज T2 अपॉन T1 माइनस T2, हमने पिछली वीडियोज के अंदर इसको किया है। जिसको कोई डाउट है या जिसको लगता है कि हमने नहीं किया या हमें नहीं याद, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है नीचे वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहां जाकर इसको देख सकते हैं। सो यहां से देखिए, मैं इन दोनों दोनों एक्सप्रेशंस की कंपैरिजन से इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगी T2 की। सो यहां से T2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा इसका ट्रांसपोज, T1 माइनस T2 Q2 अपॉन W। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने कहा था कि T2 क्या है, हमें 0 देखना है, 0 Kelvin पॉसिबल है या नहीं। सो दिस विल बी 0 इफ दिस W T2 विल बी 0 इफ
दिस W विल बी इनफाइनाइट, कि हमें जीरो केल्विन तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट वर्क करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नेवर बी अचीव, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये बिल्कुल वही कहानी है जो आइंस्टाइन ने अपनी बात करी थी रिलेटिविटी के अंदर. आइंस्टाइन अंकल ने कहा था कि जो मास है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी थ्योरीज के अंदर कह दिया था कि हम इनविजिबल हो सकते हैं, हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं. मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वीडियोस भी बनाई हैं और वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनको इन ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट्स के अंदर ब्यूटीफुल सा इंटरेस्ट जागता है या जगा हुआ है तो आप उनको देख सकते हैं. वहाँ पर हमने बड़ी खूबसूरती के अंदर इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि वेदर टाइम ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल और नॉट, या कि क्या है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा पतला है, उसको बेचारे को बार 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 पोक किया जा रहा है कि तू तो बड़ा भैया बहुत पतला है, हवा आएगी उड़ जाएगा, ब्लाम 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 ब्लाम. बेचारा बड़ा अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहा है. उसके अंदर मैं कहूँ कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे. तो ऐसे बंदे को हम कहेंगे कि इतनी तेज़ दौड़ो, इतनी तेज़ दौड़ो, इतनी तेज़ दौड़ो कि लाइट भी पीछे रह जाए. सो इफ द पर्सन tries to move with a speed comparable to speed of light, his mass will go on increasing. जो person rest पे होगा उसको लगेगा कि उसका mass बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है ना. सो वो हैवियर 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 फील करेगा. इसका मतलब उसको लगेगा कि भैया अब मैं थोड़ा मोटा, मैं थोड़ा हैवी हो गया हूँ. मुझे लोग बहुत बोलते थे कि फूंक से भी तो उड़ जाएगा. सो कुछ कुछ कहानी वैसी ही है. और वहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मास बढ़ने लगता है ऑब्जेक्ट का, जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा देते हैं. और इतने बड़े मास को मूव करवाने के लिए वी नीड इनफाइनाइट फोर्स, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है उस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए. दैट इज़ वाई उन कॉन्सेप्ट को रियालिटी में पिक्चराइज करना हमारे लिए आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है. इट इज़ अनदर आस्पेक्ट कि थोड़ी सी फ्यूचर ट्रैवलिंग ऑफ वेरी वेरी फ्यू माइक्रोसेकेंड्स की डेमॉन्स्ट्रेट हो चुकी है, लेकिन स्टिल मंजिल अभी दूर है और मंजिल अभी बाकी भी है. सो ऐसी ही कहानी यहाँ पर है कुछ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि जीरो केल्विन टेम्परेचर अगर आपको अचीव करना है तो आपको इनफाइनाइट वर्क उस सिस्टम पे करना होगा, और जो हमारे बस की बात नहीं है. सो दिस इज़ बेसिकली द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसके बाद क्या होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चोर है भैया भेस बदल के किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में आपके सामने आके बैठ सकता है कि पकड़ो पकड़ो मुझे और बताओ कि आपको आपको क्या लिखना है, आंसर दो. सो जो ऐसी पजल्स हैं उनके अंदर समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता कि एग्जामिनेशन में आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पूछा जाए. समटाइम्स दे माइट आस्क नर्नस्ट हीट थ्योरम. 1912 के अंदर नर्नस्ट ने ही हीट थ्योरम दी थी, एंड दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो अब हम उसकी बात करेंगे कि बात तो वही है जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ तरीका अलग है उनका उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, जीरो केल्विन के टेम्परेचर की बात को एक्सप्लेन करने का. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह लेकर ही उन्होंने बात करी, वर्क डन इन्फिनिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है. सो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहानी, कान इधर से नहीं बस थोड़ा इधर से पकड़ लिया और नर्नस्ट हीट थ्योरम बन गई. सो नर्नस्ट हीट थ्योरम. सो 1912 के अंदर दिस थ्योरम वाज प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड, टू द सोसाइटी. तो अगर आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, आप यहाँ इसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे. यू विल राइट अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट हीट थ्योरम इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी मैथड नो मैटर हाउ मच आइडियल इट मे बी टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस. थोड़ा सा इन्होंने कहानी को बदल दिया. बात इन्होंने भी वही कही है कि भैया हम जीरो केल्विन अचीव नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते. ये कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि कार्नोट साइकिल के अंदर हमने बात करी थी कि अगर हमें प्रोसेस को करवाना है हमें, तो हमें सिस्टम को, वर्किंग सब्सटेंस को, वेरियस जो मैं कहूँ कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के आइसो. तो आपको याद रहेगा होगा कि हमने यहाँ पर PV डायग्राम जो है वो ड्रॉ करी थी, और यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए
ही एफिशिएंसी मैक्सिमम की बात करी गई थी। वहाँ हमने कहा था कि वी हैव टू एग्जीक्यूट वेरियस ऑपरेशंस ऑन वर्किंग सब्सटेंस अगर हमें प्रोसेसेस को आइडियली करवाना है तो नर्स ने यही बात करी कि आप चाहे लाखों जो हैं या चाहे कितने भी आप ऑपरेशंस करवा लें, लाखों नहीं बोलूँगी कि वो लाखों करवा के तो काम हो सकता है, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। सो उन्होंने कहा कि आप कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं उनको एग्जीक्यूट करवा लीजिए, आप इस टेम्परेचर तक नहीं पहुँच सकते। I'm again repeating the statement, according to Nance, it is impossible by any method, no matter how much ideal it may be, to reduce any system to absolute zero of temperature in a finite number of operations. कि कितना भी आइडियल सिस्टम हो, कितने भी आप ऑपरेशंस करवा लें, आप जीरो केल्विन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकते। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नांस अंकल ने किस तरीके से दी थी वो हम करते हैं। फॉर अ रेफ्रिजरेटर, अगेन मैं वही बात करूंगी, बीटा हमें पता है इट इज़ T2 अपॉन T1 माइनस T2, वेयर T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। अगर T1 इक्वल टू T2 यहाँ पर हो जाता है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इफ़ T1 बिकम्स इक्वल टू T2 तो हमें पता है ये बीटा यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, सो बीटा विल बिकम इनफाइनाइट। अगर बीटा इनफाइनाइट हो गया, बट यहाँ पर एक बात मैं और कह दूँ कि बीटा की एक और एक्सप्रेशन रहती है, दैट इज़ Q2 बाय W। अगर बीटा इनफाइनाइट हो गया यहाँ पर, या मैं कहूँ कि W इज इक्वल टू Q2 बाय बीटा भी है, तो ये अगर इनफाइनाइट आपने यहाँ पर इसको पुट कर दिया Q2 बाय इनफाइनाइट, सो W विल बिकम जीरो। दैट इज नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या ये पॉसिबल है? सो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट एज टेम्परेचर ऑफ कोल्डर बॉडी डिक्रीजेज बीटा ऑल्सो डिक्रीजेज, क्योंकि ये हमें पता है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है T2, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो बीटा जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी बेसिकली कम हो जाएगी रेफ्रिजरेटर की। ऑलरेडी ठंडा ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें से भी हीट को बाहर निकालना है, सो एफिशिएंसी डिक्रीजेज। बट एज T2 बिकम जीरो, अगर T2 जीरो हो जाता है तो यहाँ बीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी है ही नहीं है, ठीक है। बट नाउ हमें पता है W यहाँ पर क्या, Q2 अपॉन बीटा है, सो अगर मैं यहाँ बीटा को जीरो कर देती हूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कहानी वही हुई, मैंने कहा था आपको कि कान इधर से नहीं अब इधर से पकड़ेंगे, सो यहाँ पर अगर बीटा जीरो पुट करेंगे तो W बिकम्स इनफाइनाइट। सो इन बोथ द केसेस, उन्होंने W जीरो की बात नहीं करी थी, सिंपल अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, यहाँ पर इन्होंने वर्क डन जीरो और वर्क डन इन्फिनिटी दोनों केसेस को लेकर एक्सप्लेन कर दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। सो वर्क डन इनफाइनाइट, इट मीन्स वी विल हैव टू डू अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क टू रिमूव इवन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी विच इज़ नियर एब्सोल्यूट जीरो। कि जीरो केल्विन वाले टेम्परेचर की बॉडी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट लोअर द टेम्परेचर मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू गो टू स्टिल लोअर टेम्परेचर्स। So this makes it impossible for us to attain absolute zero of temperature in any process. In other words, we cannot attain a state of zero entropy, and this is known as Nernst heat theorem, or main keh dun ki unattainability of absolute zero temperature. सो नांस्ट हीट थ्योरम ने बेसिकली ये बताया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है जो वो अचीव नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कल नहीं था, आज नहीं है, कल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक नई टर्म जो है पिक्चर में आ गई है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एंट्रॉपी। अब ये एंट्रॉपी क्या बला है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल में और बहुत ब्यूटीफुली और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, इसकी रियल लाइफ फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ, और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हमारे साथ 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 इस अध्याय के अंदर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।